Hi everyone, I am Ria and welcome to my channel Ria's Spiritual Remedies. आज मैं आपको 9 remedies बताऊंगी कि how to conceive a baby. जो भी लोग pregnant होना चाहती हैं, जो ladies और बहुत time से pregnant नहीं हो पा रही, conceive नहीं कर पा रही हैं, बहुत time से उन्हें बहुत problems हो रही हैं conceive करने में, या बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आज मैं आपको 9 रेमेडीज बताऊंगी जिसके थ्रू आप कंसीव कर सकती हैं बेबी इजीली एंड होप सो आपके घर में भी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आए. सो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. चलिए शुरू करते हैं. टिप नंबर 1 इज पेस्ट अ रैबिट पिक्चर इन योर बेडरूम and daily do meditation for 5 minutes before going to sleep. अगर ये चीज़ दोनों husband and wife meditate करते हैं daily rabbit picture को bedroom में लगाने के बाद, so बहुत सारी cases में लोगों ने बहुत fastly conceive किया है जो बहुत time से नहीं कर पा रहे थे. although you should not have any medical issues अगर आपको नहीं है, तो इस केस में ये rabbit picture आपको बहुत help करती है. Now the second is the switchword. Brown bear bring coffee divine. This is the second switchword. Brown bear bring coffee divine. ये उन लोगों के लिए है जो conceive करना चाहते हैं और baby नहीं conceive कर पा रहे हैं, वो daily switchword को chant करें. Minimum 500 times chant कीजिए, और ज़्यादा चैंट करना चाहते हैं तो आई विल से 1000 टाइम्स चैंट कीजिए एंड यू विल सी द मिराकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ. नाउ द थर्ड सिचुएशन इज स्वीट चेस्टनट जुपिटर वॉलनट फाइंड डिवाइन चाइल्ड. जुपिटर इज फॉर एक्सपेंशन के लिए होता है, और यहाँ पे आप अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, 2 से 3 होना चाहते हैं. सो इन दैट केस यू विल ऐड जुपिटर. स्वीट चेस्टनट इज अ डिवाइन ग्रेस. विदाउट अ डिवाइन ग्रेस अ वुमन कांट बी अ मदर. सो विद डिवाइन ग्रेस जुपिटर विल हेल्प यू टू एक्सपेंड योर फैमिली. वॉलनट विल ब्रेक वॉट एवर अभी तक जो स्टैगनेंसी आ गई थी, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चेंज नहीं हो रही थी, वॉलनट विल हेल्प यू टू ब्रेक एंड फाइंड डिवाइन चाइल्ड. मीन्स विद द हेल्प ऑफ डिवाइन यू विल फाइंड अ डिवाइन सोल टू बिकम अ मदर. नाउ द फिफ्थ इज यू हैव टू टेक स्वीट चेस्टनट एंड वॉलनट 3 pills 2 times a day आपको लेना है, और ये हस्बैंड एंड वाइफ अगर बोथ लेते हैं तो बहुत अच्छा है. स्वीट चेस्टनट अगेन, जैसे मैंने बोला कि डिवाइन ग्रेस है, विदाउट डिवाइन ग्रेस अ वुमन कांट बी अ मदर. सो विद द डिवाइन ग्रेस यू विल बिकम अ मदर. वॉलनट विल ब्रेक वॉट एवर जो आपकी लाइफ में स्टेगनेंसी आ गई है, ट्रांजिशन का जो पीरियड आने वाला है आपकी लाइफ में, उसमें आपकी हेल्प करेगा, मूव ऑन करने में आपकी लाइफ को हेल्प करेगा. If you want, you can chant also sweet chestnut walnut 200 times a day, which will help you to move in life and make you ready for the transition. Walnut will help you. Now the sixth is pigeon. You can stick a picture of pigeon and you meditate on the picture of pigeon. Pigeon is a wonderful example of a motherhood. It will help you to being a transition of a mother. इसके through आप के अंदर जो motherliness की feeling आनी चाहिए, जो cure होना चाहिए, जो एक motherhood के लिए आपको ready होना है, उस transition में आपकी pigeon की picture आपकी help करेगा. Now the seventh is the mantra. If you want to chant the mantra, then you chant lalitam padmanabham lalitam shrinivasam lalitam damodaram lalitam padmanabham lalitam shrinivasam lalitam damodaram. ये मंत्र मैंने ऑलरेडी अपने चैंटिंग विद मी में रिकॉर्ड किया हुआ है, आप लोग चाहे तो वहाँ सुन सकते हैं. उस मेरे वीडियो को चला दीजिए, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, उसके ऊपर उस वीडियो को 30-60 मिनट तक चला दीजिए एंड देन ड्रिंक दैट वाटर डेली. इट कैन हेल्प यू. चैंट विद मी विद दैट इन दैट वीडियो. जितनी ज़्यादा टाइम आप चलाना चाहें उसको घर में पूरे टाइम चलाते रहिए. सो इट विल हेल्प यू टू बिकम अ मदर. नाउ
एट्थ इज रामम मनोहरम मनोहरम रामम. दिस इज द अनदर मंत्रा फॉर दोज हु आर लुकिंग टू कंसीव अ बेबी और टू गेट प्रेग्नेंट इज रामम मनोहरम मनोहरम रामम. ये मंत्र आपको डेली चैंट करना है. 500 टाइम्स डेली चैंट कीजिए इस मंत्र को. देन यू विल सी अ रिजल्ट्स फास्टली चेंजिंग इन योर लाइफ. एंड नाइन्थ इज थैंक योर अनबॉर्न चाइल्ड. When you are not pregnant, it means that there is some blockages in your life. So if you will start like हमारी life में जब भी कुछ होता है तो हम पहले से thanks बोलना शुरू कर देते हैं. Like अगर किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही होती है और उनकी बेटी की शादी हो जाती है तो वो बोलते हैं thank you God. और अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो जॉब मिलने के बाद सबके मुझे सबसे पहले निकलता है थैंक्स गॉड मुझे जॉब मिल गई. सो वी आर यूज टू से दैट थैंक्स गॉड थैंक्स गॉड. लेकिन हम वो तब बोलते हैं जब हमारे पास वो चीज़ आ जाती है. तो आपको इन एडवांस बोलना शुरू करना है थैंक यू अनबॉर्न चाइल्ड. आपको बोलना है थैंक यू डिवाइन फॉर सेंडिंग अस डिवाइन सोल इन माई वोम. थैंक यू सोल फॉर कमिंग इन माई वोम. सो इस तरह से आपकी जो भी अटैचमेंट्स हैं बेबी को लेके वो सारी अटैचमेंट्स को लेके आप उस अनबॉर्न बेबी को थैंक्स बोलिए. आप बोलिए उस बेबी को सोल को डिवाइन सोल को बोलिए कि उसने आपको ये चांस दिया कि आप उसे नर्चर कर सकें. एंड आप ऑलवेज से थैंक आर डिवाइन थैंक्स डिवाइन सोल. बिकॉज सी इफ यू विल कंसीव अ बेबी इट डज नॉट मैटर वॉट काइंड ऑफ बेबी इज कमिंग इन योर बॉर्न. एंड एवरी वन वॉन्ट अ गुड बेबी वेदर बी हेल्थ एजुकेशन इट शुड बी इंटेलेक्चुअल. सो अगर आप एक अच्छी बीज अपने वॉर्म में लाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में हमेशा ग्रो करेगा. वो बच्चा आपके लिए हमेशा अच्छा होगा. सो ऑलवेज आस्क फॉर अ डिवाइन सोल एंड थैंक दैट डिवाइन सोल. जैसे कि हम सभी ने देखा है कि कृष्ण जी का जन्म जो है हुआ यशोदा और देवकी जी ने उन्हें पाला. देवकी जी के वो वॉम से उन्होंने बर्थ लिया तो उन्हें देवकी जी को ये चांस दिया कृष्णा जी ने कि वो उन्हें अपने वॉम में 9 मंथ्स रख सके और उन्हें बर्थ दे सके. सो ये उनकी डेस्टिनी का उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन गया. इसी तरह यशोदा जी को कृष्णा जी ने चांस दिया कि उन्हें नर्चर कर सके उन्हें ग्रो कर सके उनकी बचपन को एंजॉय कर सके. तो एक डिवाइन सोल आने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए. सो ऑलवेज आस्क फॉर अ डिवाइन सोल टू गिव बर्थ. लाइक मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं हमेशा ही बोलती थी थैंक यू डिवाइन फॉर सेंडिंग अ नाइस सोल इन माई वॉम. आई यूज टू से थैंक्स टू माई डिवाइन सोल ऑफ माई वॉम. एंड आई टेल यू कि मेरी डॉटर जब उसका बर्थ हुआ शी वॉज एक्सट्रीमली लकी फॉर मी. उसने मेरे और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स की साइड की और मेरे पेरेंट्स की साइड की बहुत बड़ी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व ही नहीं हो रही थी इतने सालों से वो सॉल्व हो गई उसके बर्थ के बाद इमिडिएटली. सो इफ अ डिवाइन सोल विल कम इन योर लाइफ इट विल चेंज सो मैनी थिंग्स अराउंड यू. सो इट विल हेल्प यू इन दैट वे. सो नंबर वन इज रैबिट पिक्चर कीप इट इन योर बेडरूम. नंबर टू ब्राउन बियर ब्रिंग कॉफी डिवाइन जो सिचुएट है आपका. नंबर थ्री इज स्वीट चेस्टनट जुपिटर वॉलनट फाइन डिवाइन चाइल्ड ये आपको चैंट करना है. नंबर फोर्थ यू कैन टेक द मेडिसिन ऑफ स्वीट चेस्टनट एंड वॉलनट. इफ हस्बैंड वाइफ बोथ विल टेक इट विल हेल्प फॉर देम टू कंसीव फास्टली. Now, the sixth is pigeon. If you meditate on the pigeon, then you can chant the mantra Lalitam Padmanabham, Lalitam Srinivasam, Lalitam Damodaram, Ramam Manoharam, Manoharam, Ramam. Yek mantra aap chant kar sakte hain. And especially in last, don't forget to thank your unborn child. If you, and I tell you, I have so many testimonies regarding thanks. If we start saying thanks in advance, things will change in your life. Divine will change all the calculations of your life. Okay? So do this and don't forget to share me your testimonies, your miracles of your life. सो दैट मुझे भी पता चले कि मेरे बताए हुए चीज़ों को जब आप कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या मिरेकल्स आ रहे हैं. और देन आई विल मच मोर हैप्पी एंड फील गुड. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बाय टेक केयर. एंड आई विश कि आप सभी के घर में जल्दी से गुड न्यूज़ है. जो भी लोग देख रहे हैं कि वो बेबी चाहिए. सो
सो आई विश कि आप सभी के घर में एक अच्छी सी गुडनेस जल्दी से आ जाए।